टकराने की प्रक्रिया जो है तूफान बिपरजॉय के वो शुरू हो चुकी है। तट से करीब 50 किलोमीटर दूर उस वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अब ये तूफान जो है इसकी लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तकरीबन 4 घंटे की जो प्रक्रिया है ये होगी। यहाँ पर मौसम विभाग ने इस वक्त जो DG हैं उसके डॉक्टर एम महापात्रा, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस वक्त उन्होंने ये जानकारी दी है कि साइक्लोन का जो लैंडफॉल प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और ये आधी रात तक ही पूरा होगा। और इसके जो बीच का हिस्सा है तूफान के जो बिपरजॉय का जो आई जिसे कहा जा रहा है, तूफान का जो आई है वो डायमीटर 50 किलोमीटर का है, यानी कि अमूमन इतना बड़ा नहीं होता है तूफान के बीच का हिस्सा। पत्रा वाला सीमेंट में उसके निकाल वो पैर है तो हमारा वुडन कटर है और कुआड़ी है उसको हटाने की कार्य करता है, वो JCB बुलाना पड़ता है तो JCB बुलाते हैं उसके साथ से वैसे फरियादी निकाल करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम काराड़िया जितेंद्र है। क्या नाम, क्या होना है आपका? हमारा स्टेशन इंचार्ज हूँ। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे जो यहाँ पर राहत कर्मी जो है वो भी मौजूद हैं और उनका कहना है कि उनके पास अलग अलग इंतजाम हैं, तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी, लेकिन जब ये तूफान अपने चरम पर होगा तब कितना नुकसान ये पहुंचाएगा उसका अंदाजा इस वक्त कोई भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर साफ तौर पर जो मौसम विभाग कह रहा है उसमें वो जो बड़ी बात है वो ये कह रहा है कि जो आई ऑफ साइक्लोन है वो 50 किलोमीटर का उसका डायमीटर बताया जा रहा है, यानी कि जो बीच का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, 50 किलोमीटर का है, और उसके चलते जब कोस्ट से टकराता है तो उस समय जब विंड स्पीड है जो वो सबसे ज्यादा होती है, जब आई ऑफ साइक्लोन टकराएगा तब हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद उसको कंप्लीट होने में, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में आधी रात तक का वक्त लग जाएगा। यानी कि अब हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों की, जहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है नुकसान होना अभी शुरू हो गया है और अभी धीरे धीरे तस्वीरें और आनी शुरू होंगी। कई जगहों पर पेड़ उखड़ेंगे, जो कच्चे मकान हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये अंदेशा पहले ही जताया जा चुका है। तो जुड़े हुए हैं उसे लूज हो जाए और आप निकाल सकते हैं, यही होता है। जो पेड़ है, पेड़ अभी जब फॉरवर्ड से आ रहे इससे वेस्ट विंड फ्लो हो रहा है तब पेड़ वेस्ट की तरफ बेंडिंग होगा, मगर शायद गिरेगा नहीं, मगर जब रियर सेक्टर आएगा और विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट, सो फिर वो पेड़ ईस्ट की तरफ बेंडिंग होगा। इस तरह जो पेड़ फॉरवर्ड सेक्टर में नहीं घिरा होगा शायद रेयर सेक्टर जब आएगा तब गिर सकता है, ऐसे ही हालत हो सकता। अच्छा, इसलिए डैमेज ज्यादा होता है, लेकिन इसलिए जब आई ऑफ द स्टॉर्म जब इसीलिए जो एरिया में आई जाएगा उस एरिया में ज्यादा डैमेज हो सकता है, यानी जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जैसे जोखा के पास जाएगा तो 50 से 100 किलोमीटर तक दोनों साइड पे जैसे डिजास्टर सिचुएशन। बट विंड स्पीड विल बी एवरेज 115 to 125, दैट इज द मैक्सिमम विंड स्पीड व्हाट वी प्रेडिक्टेड, वो है 115 to 125 KMPH, गस्टिंग टू 120 KMPH, बस अन्य सभी जगह में नहीं होगा, कहीं कहीं।